Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we'll discuss the difference between device driver and device controller. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि device driver और device controller की computer system में position कहाँ होती है. अगर आप ये diagram देख रहे हैं तो diagram से हमें पता लग रहा है कि operating system और hardware के बीच में जो आपके device driver हैं और device controller है दोनों आते हैं. यानी कि डिवाइस ड्राइवर और डिवाइस कंट्रोलर की पोजीशन इज बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द हार्डवेयर, जो भी आपका हार्डवेयर है. दूसरी चीज, जो आपका डिवाइस ड्राइवर है, ये जो डिवाइस ड्राइवर आपका दिखाई दे रहा है, इट इज ए सॉफ्टवेयर पार्ट. और जबकि जो आपका डिवाइस कंट्रोलर है, दिस इज द हार्डवेयर पार्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट आप कह सकते हैं एक तरीके से. क्योंकि कोई भी जो हार्डवेयर होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है उसका मैकेनिकल पार्ट और एक होता है आप उसका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट. तो जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता है हर हार्डवेयर के अंदर, वो आपका क्या कहलाता है, डिवाइस कंट्रोलर कहलाता है. वही आपके जो सिग्नल्स होते हैं, जो भी हार्डवेयर से जाते हैं, उन्हें सीपीयू तक लेके जाते हैं और सीपीयू सिग्नल होते हैं उनको हार्डवेयर को पहुंचाता है. इसके अलावा डिवाइस कंट्रोलर में आपके कुछ बफर सिस्टम भी होता है जो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है. जितनी भी आपकी डिवाइसेस होती हैं, हर डिवाइस का अपना एक डिवाइस ड्राइवर होता है. जब भी उस डिवाइस को हम प्लग इन करते हैं सिस्टम में, तो वो डिवाइस ड्राइवर सबसे पहले इंस्टॉल होता है, उसके बाद ही वो डिवाइस काम करती है. तो इसका मतलब है कि किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को वर्क करने के लिए उसका डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होना जरूरी है, अदरवाइज वो डिवाइस वर्क नहीं करेगी. और ये दूसरी चीज ये कि जितने भी डिवाइस ड्राइवर आपके हैं, वो दो तरह के होते हैं. एक डिवाइस ड्राइवर वो जो सिस्टम के होते हैं, यानी कि कर्नल डिवाइस ड्राइवर. दूसरे डिवाइस ड्राइवर वो जो आपके यूजर डिवाइस ड्राइवर हैं, यानी यूजर अगर अलग से कोई हार्डवेयर डिवाइस लगा रहा है तो उसके लिए जो ड्राइवर अलग से इंस्टॉल होते हैं, दैट इज कॉल्ड यूजर डिवाइस ड्राइवर. लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्ट है, जितने भी कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है, चिप्स हैं, उन सब हार्डवेयर के लिए जो ड्राइवर्स होते हैं वो सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड रहते हैं, एंड दे आर कॉल्ड द कर्नल डिवाइस ड्राइवर. यानी जो इनबिल्ट पार्ट आता है सिस्टम में हार्डवेयर का, उनके लिए जो आपके सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल होते हैं, उनको हम कहते हैं कर्नल डिवाइस ड्राइवर. और जो यूजर अपनी तरफ से अलग से प्लग इन करता है, जैसे पेन ड्राइव उसने प्लग इन की, कीबोर्ड उसने प्लग इन किया, मॉनिटर प्लग इन किया, स्कैनर प्लग इन किया, प्रिंटर प्लग इन किया, तो उसके लिए जो डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल्ड होगा, यानी कि जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होगा जो उसको चलाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, यूजर डिवाइस ड्राइवर कहलाएगा. इसी तरीके से आपने देखा होगा जो कीबोर्ड होता है या मॉनिटर होता है या पेन ड्राइव है या स्कैनर है, कोई भी चीज है, जितने भी हार्डवेयर हैं, उन सब में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, मैकेनिकल कंपोनेंट और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट. जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो हमने आपको क्या बताया, वो क्या कहलाता है, उसका डिवाइस कंट्रोलर कहलाता है. और जो मैकेनिकल पार्ट है वो सिंपल उसका हार्डवेयर कहलाता है. तो जो डिवाइस कंट्रोलर है वो आपका एक तरीके से बिटवीन काम कर रहा है किस किस के, डिवाइस ड्राइवर के और हार्डवेयर के. अगर आप देखें तो डिवाइस कंट्रोलर की पोजिशन कहाँ है, डिवाइस ड्राइवर और हार्डवेयर के बीच में. दूसरी चीज एक और बता दें कि जो डिवाइस कंट्रोलर हैं, डिवाइस कंट्रोलर एक से ज्यादा डिवाइसेस के लिए एक डिवाइस भी, डिवाइस कंट्रोलर भी हो सकता है, जबकि हर डिवाइस का अपना डिवाइस ड्राइवर अलग होता है. यानी ईच डिवाइस हैज इट्स ओन डिवाइस ड्राइवर, हाउएवर ए सिंगल डिवाइस कंट्रोलर कैन कंट्रोल मोर देन वन हार्डवेयर डिवाइस. तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डिवाइस ड्राइवर का क्या फंक्शन है और डिवाइस कंट्रोलर का फंक्शन है. डिवाइस ड्राइवर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में काम कर रहा है, या एक तरीके से कह सकते हैं कि जो डिवाइस ड्राइवर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस कंट्रोलर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करा रहा है, जबकि जो डिवाइस कंट्रोलर है वो आपका हार्डवेयर और डिवाइस ड्राइवर के बीच में काम कर रहा है. दीज आर द डिफरेंसेस. डिवाइस ड्राइवर जो आपका होता है, इट इज ए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल दैट एक्ट्स एज ए इंटरफेस बिटवीन द कर्नल, कर्नल मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट, एंड द डिवाइस कंट्रोलर. यानी कि डिवाइस ड्राइवर किसके इसके बीच में है, कर्नल और डिवाइस कंट्रोलर के बीच में, यानी कि ओएस और डिवाइस कंट्रोलर के बीच में है. जबकि जो डिवाइस कंट्रोलर है, इट इज ए हार्डवेयर यूनिट दैट वर्क्स एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस ड्राइवर, जो किस किसके बीच में होता है, डिवाइस ड्राइवर एंड इनपुट पर डिवाइस, जो भी डिवाइस है, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, प्रिंटर हुआ, स्कैनर हुआ, पेन ड्राइव हुआ, जो भी डिवाइस है,
उसके बीच में जो हार्डवेयर डिवाइस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो आपका डिवाइस कंट्रोलर कहलाता है। अब देखिए डिवाइस कंट्रोलर में क्या लिखा हुआ है, इट इज ए प्योरली ए प्रोग्राम और कोड रिटन टू रिकॉग्नाइज द डिवाइस। एक प्रोग्राम या कोड है जिसका पर्पस क्या है, डिवाइसेस को रिकॉग्नाइज करना। अगर किसी भी डिवाइस का डिवाइस ड्राइवर नहीं इंस्टॉल होगा तो वो डिवाइस रिकॉग्नाइज नहीं होगी। जबकि डिवाइस कंट्रोल हमने क्या बताया था कि जो मैकेनिकल डिवाइस होती है एक्चुअल में उनका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कहलाता है। सो द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ एनी इनपुट आउटपुट डिवाइस इज कॉल्ड द डिवाइस कंट्रोलर। थर्ड पॉइंट, अगर आप देखें ईच हार्डवेयर और इनपुट आउटपुट डिवाइस हैज इट्स ओन डिवाइस ड्राइवर। हर हार्डवेयर डिवाइस या इनपुट आउटपुट डिवाइस का अपना एक डिवाइस ड्राइवर होता है, बिना उसके वो काम नहीं करेगी। अगली चीज, जो डिवाइस कंट्रोलर होता है, हमने आपको बताया था कि एक डिवाइस कंट्रोलर से मल्टीपल नंबर ऑफ डिवाइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। सो ए डिवाइस कंट्रोलर मे बी एबल टू कंट्रोल और हैंडल मल्टीपल नंबर ऑफ डिवाइसेस। लास्ट टाइप्स ऑफ डिवाइस ड्राइवर, हमने बताया था दो तरीके के डिवाइस ड्राइवर होते हैं, एक वो जो सिस्टम के अंदर इनबिल्ट होते हैं, जो सिस्टम के इनबिल्ट हार्डवेयर होते हैं उनके लिए जो डिवाइस ड्राइवर होता है वो कहलाता है कर्नल डिवाइस ड्राइवर, यानी वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आएगा उसी के साथ वो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होकर आएंगे। उसके अलावा अगर दूसरी तरह के ड्राइवर कहलाते हैं यूजर डिवाइस ड्राइवर, यानी वो डिवाइस ड्राइवर जो यूजर अपनी तरफ से जब भी कोई अलग से नई डिवाइस लगाएगा तो उसके साथ जो इंस्टॉल्ड होते हैं, जैसे अलग से पेन ड्राइव लगाई उसका ड्राइवर इंस्टॉल हो गया, आपने कोई वाईफाई माउस लगाया उसका ड्राइवर इंस्टॉल कर दिया, आपने वाईफाई डिवाइस अलग से लगाई उसका इंस्टॉल कर दिया, ब्लूटूथ डिवाइस अलग से लगाई उसका इंस्टॉल कर दिया, प्रिंटर अलग से कनेक्ट किया उसका इंस्टॉल कर दिया। तो जो यूजर की तरफ से डिवाइसेस हैं उनके लिए यूजर डिवाइस ड्राइवर, और जो सिस्टम में इनबिल्ट हार्डवेयर है उनके लिए जो ड्राइवर्स होते हैं दे आर कॉल्ड द कर्नल डिवाइस ड्राइवर। अब ये जो डिवाइस कंट्रोलर है ये दो तरह के होते हैं, एक तो सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल मान लीजिए आप, अगर आपका कोई भी माउस लगाना है, आपको कीबोर्ड लगाना है, या आपका कोई भी वाईफाई मॉड्यूल लगाना है, पेन ड्राइव लगानी है, ये दे आर कॉल्ड सिंपल डिवाइसेस। इनके लिए जो डिवाइस कंट्रोलर होता है वो कहलाता है सिंपल और सीरियल पोर्ट कंट्रोलर। जबकि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे आपको अलग से हार्ड डिस्क अटैच करनी है या आप अलग से मैग्नेटिक टेप कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, SCSI कंट्रोलर यूज करते हैं। ठीक है, SCSI जो कंट्रोलर होता है इसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस ये क्या करता है, जो आपकी हाई स्पीड स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको, उनके लिए एज ए डिवाइस कंट्रोलर का काम करता है कि वो आपकी डिवाइसेस जब भी कनेक्ट की जाएंगी सिस्टम से तो उनके लिए ये SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस वर्क करेगा। तो जो कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस हैं उनके लिए SCSI कंट्रोलर, जो नॉर्मल डिवाइसेस हैं उनके लिए सिंपल और सीरियल पोर्ट कंट्रोलर काम करता है। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द डिवाइस ड्राइवर एंड डिवाइस कंट्रोलर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।